हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ पनीर के पकौड़ों की रेसिपी, जो बहुत ही इजी है। और ये मैंने खाली 3 इंग्रेडिएंट के साथ बनाया है। एक था चाट मसाला, और ये था पनीर, और एक था बेसन। जैसे बेसन जो रहता है उसका हम एक बनाएंगे बैटर। सबसे पहले मैंने ये पनीर को कट किया है पीसेज में। तो काफ़ी लोग जैसे हम मैरिज के अंदर पनीर के पकौड़े उधर मैरिज के अंदर ट्राई करते हैं, तो उधर जो रहते हैं वो चटनी भी डाल देते हैं इसके अंदर में फिलिंग जो करने के लिए। तो काफ़ी लोग जैसे कि मैंने चाट का मसाला डाला है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी, और मैंने क्विक ये वीडियो बनाई थी बिकॉज मैंने अपने गेस्ट के लिए बना रही थी। तो उस टाइम पे मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और वैसे भी परांठे, पनीर के पकोड़े, ये सब तो मतलब इंडियंस की, पंजाबी लोग बहुत ही लाइक करते हैं ये चीज़। तो पकौड़े तो जैसे नॉर्मली हर एक के घर पे बनते रहते हैं, अभी तो विंटर स्टार्ट हो गया है तो उस टाइम पे बहुत ही लाइक करते हैं। खाली पनीर के पकौड़े नहीं, जैसे कि आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, पालक के पकौड़े, तो सब चीज़ के साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं बिकॉज़ विंटर के अंदर चाय के साथ पनीर के पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप इसको ऑयल के अंदर लास्ट में फ्राई कर सकते हो। और ये है चाट मसाला, तो चाट मसाला ऐसे अंदर फिलिंग करूँगी। इसके लिए मैंने थोड़े से ये हैंडमेड ग्लव्स में डाल दिए थे, एक्चुअली मेरे हाथ में कट लगे हुए थे ताकि वो जले ना, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा इस तरह से ग्लव्स डाल लिए थे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी और क्विक है, आप फटाफट से इसको गेस्ट आने से पहले बना सकते हो, और आप भी घर पर ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जो मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। और ये मैंने बैटर बना लिया था, खाली एक बेसन लिया था अकॉर्डिंग टू अपने पनीर के, तो उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया था, मिक्स कर लिया था। ये मैं डाल रही हूँ नमक और मिर्ची, आप लोग अवॉइड भी कर सकते हो रेड चिल्ली, तो आप जैसे कि नॉर्मली ब्लैक पेपर डाल सकते हो अगर काफ़ी लोग रेड चिल्ली नहीं लाइक करते, तो जैसे कि ग्रीन चिल्ली को भी कट करके डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अगर अवॉइड करना चाहते हो रेड चिल्ली को, क्योंकि काफ़ी लोग जैसे नहीं पसंद करते, तो एक तो इस तरह से बना सकते हो आप इसको। तो ये बैटर बन के रेडी हो चुका है, और आप इसके अंदर अगर पकौड़ों वाला मसाला डाल सकते हो तो वो भी डालो। अगर आप जो भी मसाले यूज़ करते हो वो भी डाल सकते हो। जैसे समटाइम मेरे मम्मा जो धनिया रहता था हमारा वो डाल देते थे, उसको हैंड के साथ या जैसे भी ग्राइंडर के साथ हम पीस के रखते हैं तो हल्का सा वो भी इसके अंदर डाल देते थे, बट मैंने वो चीज़ नहीं डाली बिकॉज मैंने बहुत ही कम और सिंपल बनाया है। और ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही सबको पसंद आए और बहुत ही अच्छे लगे। थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है ताकि जो मेरा बैटर है ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और ज़्यादा थिक भी ना हो और थिन भी ना हो, तो एक इसकी नॉर्मल एक बन जाए बैटर। तो अच्छे से पानी डाल लो, ज़्यादा पानी नहीं डालना ताकि जो पूरा पतला ना हो जाए। तो इसी तरह से मैंने फटाफट से ये बना के रेडी किया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, और एक साइड पे मैंने पूरा वो बना के रेडी कर चुके हैं फिलिंग करके चाट मसाला की। आप चाहे तो चटनी के साथ भी कर सकते हो, ग्रीन चटनी बना के उसके साथ भी फिलिंग कर सकते हो, जैसे मैरिज के अंदर ऐसे ही रहते हैं। तो फटाफट से अभी मैंने जो ऑयल था वो चढ़ा दिया था गैस के ऊपर, तो उसके बाद में मैं इसको डालूंगी ऑयल के अंदर। ऑयल चेक करने के लिए आप पहले थोड़ा सा बेसन का एक दाना डाल के देख सकते हो, चेक कर सकते हो, बट मैंने ऑलरेडी ऑयल काफ़ी देर से चढ़ा के रखा था तो वो ऑलरेडी बन गया था। तो अभी मैं इसके अंदर जो जितने भी पकौड़े थे वो फ्राई करूँगी, डालूँगी। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा इनको एयर फ्रायर के अंदर भी बना सकते हो। तो बहुत ही ईजी है, क्विक है और सिंपल सा है। और आप लोग कैसे बनाते हो पनीर के पकौड़े, इसी तरह से बनाते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। और वैसे भी पकौड़े और परांठे ये पंजाबियों के घर में नॉर्मली बनते रहते हैं, और वो लोग लाइक भी करते हैं, हम लोग लाइक भी करते हैं बिकॉज़ मैं भी इंडियन हूँ, पंजाबी हूँ, तो हम लोगों के घर में भी पकौड़े जैसे चाय के साथ पकौड़े, और कोई गेस्ट आ गया उनके लिए पकौड़े, और इसी तरह से मतलब जैसे कि पालक के पकौड़े, पनीर के, अनियन के, काफ़ी तरह के पकौड़े बनते हैं। ये नहीं खाली के पनीर के पकौड़े बनते हैं,
ये आलू के पकौड़े, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पकौड़ेज हम लोग बनाते रहते हैं। तो मैंने ये फटाफट से आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप चाहे तो इसको छन्नी के साथ भी साइड चेंज कर सकते हो, जैसे अभी मैंने चिमटी के साथ किया है। ये मेरे को बहुत ही ईजी रहा और मतलब वो एकदम से सही रहा। तो इसी तरह से मैंने सभी पकौड़ों को एक साइड से वो करके निकाल लिया था। तो ये बहुत ही, आप देख सकते हो कलर इसका कितना अच्छा है। अभी मैंने इसको चाट के साथ में सर्व करने के लिए ऊपर थोड़ा सा चाट डाल दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये बहुत ही यम्मी लग रहा था और सब लोगों को बहुत ही पसंद आया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो लाइक अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जो मेरी कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।